माँ बाप की शहजादियाँ कैसी हैं आपकी? बहुत सी परेशानियाँ ख़त्म करने के लिए ये वीडियो आप लोग के लिए टिप एंड ट्रिक एंड हांडी आज की। तो दूध की मलाई और रोज़ हर कोई रोज़दारता है, अल्लाह सबको बरकत अता फरमाए। तो यहाँ आपके साथ मैं बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहि अला बरकातिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मैंने मलाई उतार नहीं उतारी, मलाई उतार सकी और ये वीडियो मैं आपको दिखा रही। इसके बारे में आपको बताती हूँ कितने फ़ायदे हैं, कितने फ़ायदे हैं, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जब वलूबत के सार नज़र आए तो इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करें, सारे इनकी बाल नहीं आएंगे। तो चलते हैं, हम लोग मसूर साबुत बनाते हैं। गर्मियों का सीज़न है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म पकते हैं, लेकिन पकाते हुए बहुत सी खवातीन क्या गलती करती हैं, इनको धो के वैसे ही हांडी में डाल दिया, वो तरीका बहुत गलत है। उसको भिगो के रखें और देखिए, मैंने चंद आधा घंटा तकरीबन भिगोया है, तो ये भिगोने के बाद फूल भी चुके हैं। और हमेशा जो भी दाल धोएँ, चावल धोएँ, ऐसे ही हंडिया में डालें। अगर आप अपने बड़ों से पूछें तो वो ऐसे ही डालते थे। ऐसे क्यों डालनी चाहिए? अक्सर लोग छन्नी या किसी टोकरी या किसी बोल सराह वाली में डाल के पानी निकाला और हांडी में डाल दिया। ऐसा करना सरासर गलत है। अभी आपको बता रही हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। अभी देखिए वीडियो में। अब मैं दाल तो सारी दाल डाल चुकी हूँ, अब इस पानी में क्या है? और यकीनन हर किसी के दाल में होता है, लाजमी। मैं 99% नहीं, मैं 100% कहूँगी, क्योंकि जो बंदा वैसे ही दाल धो के डालता है उनके दाल में मस्त होता है। दाल को हमेशा इस तरह डालें, ये देखें। इसको मैं 3 बार पानी से धोया था, धोने के बाद फिर भिगोया था, भिगोने के बाद फिर भी नीचे देखें मिट्टी कितनी है। तो खुदा अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें और तमाम दालें और चावल वगैरह धोने के बाद उनको इसी तरह हाथ से उठा के अपना उसको खाने में डाला करें, बनाया करें। कभी भी पूरा ऐसे बोल को और हांडी में उल्ट ना किया करें। तो अगली टिप है हमारी बालों के बारे में। तो जी हाँ, हमारे मसर के साथ चावल बन रहे हैं, ये चावलों का पानी हम लैदा रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमने कभी चावलों का पानी गिराया ही नहीं। पहली बात, हम उसको अपने हैंड वॉश पाँव यानी कि हाथ पाँव के लिए इस्तेमाल करते हैं, चेहरे पर लगा लेते हैं और बालों को लगाया जाता है। ये दाल देखें मेरी उबल चुकी है माशाल्लाह, सिर्फ 5 मिनट में कितने मज़े की लग रही है। और इसको पकाने का तरीका जो आपको बताती हूँ, बहुत से लोग वैसे ही सारी चीज़ें डाल कर पका लेते हैं, लेकिन यहाँ मैं पका रही हूँ मेथी दाना, ज़ीरा और थोड़ी सी अदरक और साबुत लहसुन। ये चीज़ें डालने के बाद इसको मैंने करना हल्का सा फ्राई। हल्का सा फ्राई करके उबले हुए मसूर, जिनमें ऑलरेडी मैं नमक मिर्च लहसुन प्याज हर चीज़ डाल चुकी थी, तो इसलिए उनका टेस्ट बीच में फ्लेवर जायका अच्छा हो जाए। तो ये मैंने भून के इसमें साबुत मसूर डाल दिए। हमारे घर थोड़े कुछ बच्चे पतली दाल पसंद करते हैं चावल के साथ और कुछ थिक, तो ये हमारी दाल तैयार। अब ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया आपके पास, ज़बरदस्त। आटा छाना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ आप आटा छाने के बगैर हाथ लगाए, बगैर हाथ हलाए अब आटा ऐसे छानेंगे कि आप हैरान परेशान है जो जाएंगे। अब आटा हम छानने का ये हम दे रहे हैं और इसके साथ हम आपको आटा छाने का तरीका बता रहे हैं। आप यकीन जाने ये इतना बेस्ट ट्रिक है। अब जहाँ अपने किचन की बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, वहाँ आप ये भी एक फिनर ख़रीद लें और इसको अपने आटे वाली बास्केट है, पेटी है, या फिर जो भी आपका बर्तन है उसमें इसको लादा रखें। इसमें आटा कितना कमाल का छना जाता है, क्यों इसमें छना जाता है कि इसमें उसके ऊपर एक होल है, होल की वजह से आटे का प्रेशर बहुत अच्छा रहता है और आटा ज़बरदस्त छाना जाता है। ये देखें, अगर हम हाथ को हलाएंगे तो हमारा आटा दाएं बाएं गिरेगा, हमने हाथ को तो हलाना ही नहीं। ये देखिए मैं घुमा रही हूँ, आटा सारा साइड पे आ रहा है, इस तरह नहीं, हम इसको बस ऊपर से घुमाते जाएंगे, आटा हमारा सारा बर्तन के अंदर। अगर आप बेसन छान रही हैं, मैदा छान रही हैं, अब कुछ लोग खुश्के के लिए अलहदा बर्तन इस्तेमाल करते हैं, तो खुश्के के लिए भी बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसके साथ आटा छाने, यकीन जाने आपको खुशी हो जाएगी। अभी मैं आपको एक आइडिया बताने लगी, आप हैरान हो जाएगी, हमारी स्प्रे गन ख़राब हो चुकी, कैसे प्रेस करते हुए गिरी और टूटी। अब मैं सोच रही इसका क्या करूँ, तो कमाल का आइडिया, इसका मैंने ढक्कन लिया, आपके पास बोतल है उसका आप सुराख कर लें ढक्कन में और बोतल को काट के आप आटे वाली बाल्टी में जिसमें भी आपका आटा उसमें डालिएगा, अल्लाह बरकत दे आपके घर में हर चीज़ में, और आप अपना आटा इस तरह छान सकते हैं। अपनी बेटियों को भी सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, ताकि उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी और वो काम खुशी खुशी से करें। तो ये सुराख होना बहुत ज़रूरी है, सुराख के बगैर आटा नहीं छाना जाएगा। कभी टूटे कप या चूड़ियों या
कुकर के सीटी से आटा नहीं छाने। ये एक छोटा सा मेरा बाउल है जिसमें मैंने खुशका रखा होता है पेड़े बनाने के लिए। तो इसमें मैं आपको आटा छानने का तरीका बता रही हूँ। देखिए बड़ा आसानी से मैं लिया और मैं इसके ऊपर रख ली और मैंने थोड़ा उस पर ज़रूरत इसमें आटा छाना, ना तो बाहर गिरा और पूरे का पूरा आटा उसके अंदर चला गया। है ना कमाल का आइडिया। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिएगा। आप बहुत अहम है, आपको यकीन है मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आप देख रहे हैं। दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए। आपका कमेंट्स मेरे लिए ज़िंदगी है। हाँ, अल्लाह आपको जज़ाए अता फरमाए। तो ये आइडिया आपको पसंद आएगा और एक बार आप अपना सेपरेट इसको ख़रीद के अपने आटे वाले थैले में, बोरी में, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, बाल्टी है, तो उसमें आप उसको लाजमी रखें। अल्लाह ताला आपके घर में बरकत अता फरमाए, आपको सेहत अता फरमाए। तो नेक्स्ट टिप एंड ट्रिक जो मैं आपको बता रही हूँ, हांडी भी होगी, आइडिया भी बता दिया। तो मैं नेक्स्ट टिप जो आपको बताने लगी वो बड़ी कमाल की टिप है। हम लोग सर्दियों में जो प्याज इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने इसको किस पे रखा हुआ है, अंडों की ट्रे। अंडों की ट्रे जब हमारे घर आई तो मैंने सोचा इसको कहाँ इस्तेमाल करूँ। तो मैंने इसके पीस काटे, चार ऊपर नीचे रखे और प्याज शाम के वक्त हम जलाते हैं, क्योंकि हमारे आस पास बहुत ज़्यादा प्लाट है, बहुत ढेर होते हैं गंदगी के। तो यकीन जानिए कि जलाने के बाद हमारे घर में मच्छर नहीं होता। और ये जो माचिस की एक्स्ट्रा तीलियाँ हैं वो अपने अंदर ही रखनी है, क्योंकि इससे आपको माचिस की तीलियाँ तार होने से मच्छर भी नहीं आएगा और आपका प्याज काफ़ी ही देर तक इसमें आपका साथ देगा। इसलिए तो ये माचिस की मौजूदा तीलियाँ आपने प्याज के अंदर ही रखनी है। तो ये प्याज कितनी देर तक चलेगा, लॉन्ग टाइम है, काफ़ी देर तक चलता रहेगा। जब तेल ख़त्म हो जाए तो उसमें आप डालें। मैंने तो इसमें हाउस पे कड़वा तेल, जवां का तेल डाला। उम्मीद है आपको ये टिप एंड ट्रिक लाजमी पसंद आई होगी। प्लीज़ आप फिर रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह ताला आपके घर में रहमत का नज़ूल हो। हाँ, जब आप बच्चों की बुलुगत के साथ नज़र आएँ तो फ़ौरन उनके लिए ये रेमडी इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। वो मैं आपको बताती हूँ पेंट्रिक जो बताने लगी वो कमाल की है। जैसे बच्चे के बलोगत के आसार नज़र आए तो आपने वो वर्क करना है, वो काम करना है, वो इस्तेमाल करना है। तो आपके बच्चियों के बाल सारी ज़िंदगी नहीं आएंगी, दो जगह पे, अपर लिप, हाथ और बाजू पे। तो वो बताने से पहले दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ताला आपके घरों में रहमत और बरकतों का नज़ूल हो और अल्लाह ताला हमारी ज़बानों पर दुरूद पाक जारी रखवाए। तो ये टिप एंड ट्रिक ये है कि जब हम दूध उबालते हैं तो उसके नीचे बलाई होती है, जो अक्सर हम दो देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। ये के नीचे इतनी कमाल की ये रेमडी बनती है, इतनी कमाल की ये टिप है कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे। आप यकीन जाने हम तीन सिस्टरों ने में से जिसने भी इस्तेमाल किया तो यकीन जाने अभी तक हाथ पे, मेरे अपर लिप पे, बाजू पे, हाथों पे बाल नहीं आए। हमारे घरों में मैं अपनी जामिया में हर स्टूडेंट्स को इस चीज़ का मशवरा देती हूँ। जैसे बच्ची थोड़ी सी बालग होती है या बालग होने के आसार नज़र आ रहे हैं तो आप इसको इस्तेमाल करवा लें। सारी ज़िंदगी की बालों से निजात, अपर लिप, हाथ, बाजू, टांग, पाँव, जहाँ भी फेस पर इस्तेमाल करना चाहिए। आपको पता है रुखसार के यानी कि कानों के पास अक्सर बच्चों के बाल रवा होते हैं तो काफ़ी परेशान करते हैं बच्चियों को। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये डिटेल से बताऊँगी। कभी अभी मैं दो दिन की बलाई इकट्ठी काट चुकी हूँ तो मैं इंशाल्लाह तआला इसमें क्या क्या ऐड करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए रहिएगा। ये आपका ही चैनल है। आपके पास कोई अच्छी टिप है, ट्रिक है, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं आपकी वो जो टिप होगी, ट्रिप्स होगी, डिटेल से बताइएगा। इंशाल्लाह मैं वो वीडियो बना के इंशाल्लाह अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। अगर आप अपना नाम मेंशन करना चाहते हैं तो वो बताइएगा, वो भी मैं इंशाल्लाह उस वीडियो में बताऊँगी कि आप कहाँ से हो, किस जगह से हो, किसकी वीडियो के अगर कहने पर बनाई है तो इंशाल्लाह वो मैं बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी और आपके कमाल की वीडियो, ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। चैनल साथ जुड़िए रही। अल्लाह हमारी ज़बानों को तार रखे, मुँह मीठा कीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।